हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और इस वीडियो में आज मैं आपको जानकारी दूंगा बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान भारत की जो लिस्ट है वहां पर आपका नाम क्यों नहीं आया है और अगर आया है तो वहां से क्यों काट दिया गया है। तो इन कारणों को मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जानकारी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना है या फिर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, नाम जो है लिस्ट में नहीं आया है, तो राशन कार्ड में एक नाम ना आने का रीज़न ये भी है कि अभी तक बहुत सारे लोगों की इनकम वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। इसके अलावा आपका नाम बीपीएल लिस्ट में ना आने का कारण हो सकता है अगर आपके किसी भी परिवार के सदस्य ने 3 साल में आयकर रिटर्न होता है, जो हम आय का कर भरते हैं, वो 1,80,000 प्रति वर्ष से अधिक भरा है, या फिर आपके किसी भी परिवार के सदस्य ने 9,000 रुपये से अधिक का वार्षिक बिल का भुगतान किया है, या फिर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर कार्य करता है, या फिर आप समझ सकते हैं अगर आपके परिवार में कोई फार्मर है और उसकी जो वार्षिक आय है 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य श्रमिक है और उसके पास श्रम कार्ड है और उसकी आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है 1 साल में, या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य पेंशनर है या वो पेंशन लेता है और उसके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 प्रति वर्ष से ज़्यादा है, या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की शहरी संपत्ति जो है 100 वर्ग गज या उससे अधिक है, या फिर प्रॉपर्टी गांव में है तो वहां पे उसका आकार 200 वर्ग गज या फिर उससे अधिक है। तो फ्रेंड्स, यही सब कारण थे जिसके चलते आपका बीपीएल कार्ड जो लिस्ट होती है वहां से आपका नाम कट गया हो या फिर आपका बीपीएल कार्ड ना बना हो। ये सब पॉइंट्स अभी हो सकता है इनमें कुछ बदलाव भी हो, लेकिन आने वाले टाइम में अभी जो आयुष्मान कार्ड है उसका जो पहला चरण था वो अभी बंद कर दिया गया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो अब फिर से कब ओपन होगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस जानकारी को दूसरों तक शेयर करिए और जो मेरा चैनल है उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।